नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आज बना रहे हैं हम कमल ककड़ी। ये है दोस्तों कमल ककड़ी, ये मैं पहली बार बना रही हूँ और पहली बार खाएंगे। मैंने कहा देखते हैं कैसी होती है दोस्तों। और ये ककड़ी मतलब कमल ककड़ी होती है जो हेल्दी होती है, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो ये ऐसे लेनी चाहिए दोनों तरफ जो बंद हो, इधर भी और इधर भी, क्योंकि जो मिट्टी पिट्टी हो अंदर ना जाए। ये इधर भी बंद है, इधर भी, तीनों। ये अब इनको मैं छीलूंगी छिल्लर से दोस्तों। ये छिल्लर से छील के ऐसे करके ये छीलूंगी मैं इनको। ऐसे इसका छिलका आता है दोस्तों, फिर ये ऐसे व्हाइट दिखती है। इनको छील के और कट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ये इसका मसाला है, ये है अदरक और ये है लहसुन, अदरक लहसुन और टमाटर। ये मैं इनको साथ ही ग्राइंड करूंगी, इसको साथ ही पीसूंगी मैं। टमाटर और अदरक और लहसुन ये मैं साथ पीसूंगी। और प्याज मैंने दोस्तों ये मैंने कट कर लिए हैं, प्याज मैंने इसमें कट कर लिए हैं। और ये मैं छील के कट करके फिर आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये मैंने पानी रख दिया है दोस्तों, कमल ककड़ी को जो मैं कट करके छील छाल के धो धा के रखी है मैंने, छील के और कट करके फिर मैं उबालूंगी। इसमें डाल दिया दोस्तों मैंने नमक 1 चम्मच। अच्छे से जो भी उसके अंदर की गंदगी होगी और भी निकल जाएगी और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगी। ये दोस्तों मैंने गर्म पानी रख दिया है, ये देखो ये गर्म पानी रख दिया है। ये मेरे प्याज हो गए हैं, ये मेरा अदरक लहसुन और टमाटर और ये मेरी कमल ककड़ी। अब इसको छिल के दिखाती हूँ कट करके दोस्तों। इसका अचार भी बहुत बढ़िया होता है, अचार तो हमने खाया है इसका, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब्जी हमने कभी नहीं खाई, अब सब्जी में कट करके छील के आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये मैंने कमल ककड़ी छील दी, ये देखिए दोस्तों छील के कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो सांप है इसके, ये अगर इसको खुला लाओगे तो मिट्टी उट्टी रहती है, अगर बंद लाओगे तो सांप रहता है। ये मैंने छील के कर दी है तैयार, ये देखिए ये छिलका निकला। ये मैंने टमाटर अदरक लहसुन इसमें खट्टा पीस दिया, ये मेरे प्याज हो गए दोस्तों, ये मेरा पानी भी खोल गया। देखो मैंने कम करी थी गैस, ये पानी भी अच्छी तरह से मेरा खोल गया। अब मैं इनको कट करूंगी, जब मैं इनको गर्म पानी में डालूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। बाकी जो नॉर्मल मसाले पड़ते हैं, हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला, वो भी दिखाऊंगी दोस्तों। सॉरी, ये मैं अब कट करती हूँ, फिर जब गर्म पानी में डालूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों मैंने कट करके सारे तीनों थी जो कट करके मैंने ये रख दिए। ये देखो दोस्तों कुदरत का कमाल, ये कुदरत का ही कमाल है दोस्तों। देखो ऊपर वाले का है, इसके अंदर ऐसे डिजाइन सा बन गया होल सा, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तभी तो बोलते हैं दोस्तों कुदरत जो हमारी होती है ना, उससे कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इतनी आपदा आ रही है, इतने जो गिर रहे हैं मर रहे हैं, है हमारे पहाड़ों में, देखो खोद खाद के लोग वो करते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं कुदरत अपना रास्ता खुद चुनती है, खुद बनाती है। ये देखिए ये कुदरत का कमाल नहीं है तो और क्या है, अगर कोई सोचे ध्यान से। ये देखो ये हमारा कुदरत ही है, ये देखो ये ऊपर वाले ने क्या डिजाइन करके भेजे हैं, हर चीज फूल पौधे। मैं सोचती हूँ मैं बहुत ज्यादा कि
बगीचे में जाओ, तरह तरह के फूल, उसमें कौन रंग भरता है, हैं? ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये कर सकता है, तो ऊपर वाला सब कुछ कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कुदरत के साथ छेड़ाकानी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये देखो ना प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। अब इसको मैं उबलते हुए पानी में डालूंगी। अब इसको मैं दोस्तों 10 मिनट, 8-9 मिनट, 10 मिनट जो भी है वो इसको मैं उबालूंगी अच्छी तरह। अच्छी तरह उबाल के 10 मिनट, ये नमक का पानी है दोस्तों, अच्छी तरह उबल जाए फिर इसका मसाला बनाते हैं। हेल्दी बहुत होती है, हेल्दी खानी चाहिए इसको। मैं पहली बार बना रही हूँ दोस्तों, ऐसे लग रहा है इसको सजा के रख दो, कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पीस। ये देखो, तो ये देखिए मैंने छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अब ये उबल रहा है, उबल के हो गया तैयार। अब इसका पानी छानूंगी और ये तेल भी दोस्तों गरम हो गया। ये बन रही है मेरी चाय और डाल दिया मैंने प्याज साथ के साथ, मसाला भी बन जाएगा दोस्तों। ये बज रहे हैं शाम के दोस्तों 6। अब मैंने बोला चाय भी बना देते हैं सबके लिए। ये चाय अच्छे से खोल दिए, ये प्याज भूनेंगे अच्छे से दोस्तों। अब ये भी दोस्तों मेरे हो गए तैयार कमल ककड़ी। अब इसको मैं छान के रखूंगी एक तरफ, फिर जब मसाला मेरा तैयार हो जाएगा दोस्तों फिर आपको दिखाऊंगी। जब मैं टमाटर डालूंगी तब आपको दिखाऊंगी, जब ये प्याज भून जाएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे। ये चाय खोलने वाली है दोस्तों, खोल गई बल्कि दोस्तों। ये मसाला मेरा प्याज भून के हो गए तैयार। अभी मैं टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। भी अच्छे से भुनेगा दोस्तों, अच्छे से भुनेगा, अपना तेल छोड़ दे। तो उसके बाद में डालूंगी मसाले। अब ये टमाटर प्याज भून के अच्छी तरह तैयार हो गए थे दोस्तों। ये भी मैंने छान लिए धो धा के, ये गल गए हैं हल्के। ये मैं नमक डाला है दोस्तों मैंने, तो थोड़ा नमक इसमें मैं कमी रखूंगी मसाले में। अब जब ये रेडी हो गया दोस्तों मसाला डालूंगी और ये सब्जी डालूंगी फिर आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ये मैंने मसाला निकाल दिया है, ये है गरम मसाला, ये है कसूरी लाल मिर्च यानी देगी मिर्च, और ये हल्दी, ये नमक, नमक मैंने इसमें भी डाला था दोस्तों तो कम होगा तो देखेंगे, बाकी इसमें नमक डाला हुआ है मैंने, ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये दोस्तों ये भी मैं घर में मिक्सी में पीसती हूँ लाके, मिर्ची भी और गरम मसाला भी घर में ही पीसती हूँ। हल्दी मम्मी गाँव से लाती है तो मैं यहीं पिसवाती हूँ चक्की में, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये भी हमारा उबल के तैयार हो गया। आप देखते हैं मसाले का क्या हाल है दोस्तों, देखते हैं हमारा टमाटर अदरक लहसुन, ये देखो अच्छे से पक गया है। और ये देखिए दोस्तों तेल छोड़ दिया है मसाले ने, आजकल के टमाटर भी लाल लाल आ रहे हैं दोस्तों, बढ़िया। देगी मिर्च डालने की भी जरूरत नहीं है, अदरक लहसुन और टमाटर अच्छे से पक्के हो गए तैयार। आजकल तो दोस्तों 30-40 ऐसे ही हो रखे हैं टमाटर, बढ़िया बढ़िया। और अब डालेंगे दोस्तों ये मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा हल्दी और ये गरम मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये डाल देते हैं इसमें,
इसको भी अच्छे से इसमें मसाले में मिक्सअप कर दीजिए। पहली बार बना रही हूँ दोस्तों ये वाली सब्जी, अब खाने में कैसी होगी, बच्चों को पसंद आनी चाहिए दोस्तों, हम तो कैसे भी खा लेंगे, नहीं पसंद आएगी तो फिर कुछ बनाऊंगी और क्या करें तब दोस्तों, बनाना ही पड़ता है तब। बनाएंगे दोस्तों कुछ दाल धुलिए, देखो दोस्तों मैंने डाल दिया ये कमल ककड़ी, अब इसको अच्छे से मसाले में लोट पोट करेंगे दोस्तों, मैं धीमी आंच में छोड़ूंगी फिर इसको। ये देखो नमक डाल दो अच्छे से, ये धुल भी जाती है, गंदगी मंदगी जो भी रहेगी, वैसे तो बंद हो तो कोई गंदगी नहीं रहती, दोनों तरफ जिसका बंद हो वो लेनी चाहिए। तो सोच रही हूँ इसका अचार बनाऊंगी दोस्तों, अचार लाके अचार बनाऊंगी थोड़ा सा, आधा किलो का इसका अचार भी मुझे, मैंने खाया है अचार तो मुझे अच्छा लगा टेस्टी। ये देखो अब ये मसाले में हमने अच्छी तरह दोस्तों, देखो इतना उबालने के बाद भी फिर भी ये इतनी खड़ी खड़ी रहती है, ये देखिए है ना, ये देखो फिर भी ये इतनी खड़ी खड़ी रहती है। थोड़ा और बनाएंगे और पकाएंगे, ये देखो फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों जब ये बन जाएगी। दोस्तों दिखाते हैं कमल ककड़ी की सब्जी हो गई तैयार या नहीं हुई, ये देखिए दोस्तों हो गई रेडी सब्जी, ये देखिए बनके हो गई तैयार, ये देखिए दोस्तों खाने में पता चलेगा कैसी है दोस्तों। इसके रेसे रेसे से आ रहे हैं दोस्तों, रेसे आ रहे हैं, गैस रख दी दोस्तों मैंने बंद, अब ये है दोस्तों सब्जी कमल ककड़ी की। आइए दोस्तों सब्जी खाने के लिए कमल ककड़ी की बनाइए और ऐसे ही खाइए, सब जाएगी हाथ से। ये देखो दोस्तों गरम है अभी, ऐसे बनाइए और खाइए, ये इसमें भी है, गैस बंद कर दी है मैंने। और दोस्तों नमस्कार धन्यवाद, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। और कोई बात नहीं, बनाती रहूंगी, खाने बनाने का शौक है जैसे भी बने। और ये दोस्तों सब्जी देखो कितनी जानदार और शानदार लग रही है, खाने में भी जरूर टेस्टी होगी दोस्तों।